कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ये आरोप पूर्व मंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना संकट काल में लोगों तक न मास्क पहुंचे न ही सैनिटाइजर। पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आशा वर्करों और हेल्थ वर्करों द्वारा घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की गई और यही स्क्रीनिंग केंद्र सरकार को प्रदेश सरकार की ओर से भेज दी गई, जिस पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की पीठ थपथपाई, जबकि हकीकत में ऐसी कोई भी स्क्रीनिंग नहीं की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 2.5 वर्षों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है और प्रदेश विकास के मामले में भी पीछे की ओर चला गया है। पूर्व मंत्री ने कांगड़ा जिला को लेकर भी प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार द्वारा कांगड़ा जिला पर भेदभाव करने के आरोप भी लगाए हैं। शर्मा ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में कांगड़ा जिला का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला है और जो प्रोजेक्ट पहले चले हुए थे उन पर भी कोई कार्य आगे नहीं बढ़ पाया है। शर्मा ने कहा कि कांगड़ा जिला से प्रोजेक्टों को शिफ्ट कर दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री और मंत्री भविन प्रोजेक्टों को अपने गृह क्षेत्र की ओर ले जा रहे हैं, जिससे प्रदेश का एक समान विकास नहीं हो पा रहा है। पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि वर्तमान सरकार किसके इशारे पर रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर रही है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। शर्मा ने कहा कि कोरोना संकट काल में घोटाला स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है और इस्तीफा संगठन के लोगों द्वारा दिया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। पूर्व मंत्री ने मांग की है कि कोरोना संकट काल में स्वास्थ्य विभाग में उपकरणों में हुए भ्रष्टाचार की वर्तमान हाईकोर्ट की सेटिंग जज से निष्पक्ष जांच करवाई जाए, ताकि सच प्रदेश की जनता के सामने आ सके। जब से सरकार सत्ता में आई तब से लेकर के आज तक जितनी भी खरीद फरोख्त स्वास्थ्य विभाग के अंदर हुई, उसका सारी की सारी उसकी जो जाँच है वो एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा करवाई जाए, ताकि निष्पक्ष जांच हो और जो लोग इस खरीद फरोख्त के साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का आशीर्वाद, जिन राजनीतिक आकाओं जो आका थे उनका आशीर्वाद जो है वो इन लोगों पर था जो कि फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं और बाद में ये कह रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं और बाद में कह रहे हैं जी हम तो सच्चाई जनता के सामने लाना चाह रहे थे। तो जब आप उससे बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप शुरू से बात करते आए थे इसी विश्वास के साथ, उसने आपके साथ लेन देन की बात की। और इस महामारी में लोगों तक न मास्क पहुंचे, न सैनिटाइज़र पहुंचा, न ग्लव्स पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से केवल मात्र एक सर्वे जो है वो हमारी आशा वर्कर्स ने और जो हमारी हेल्थ वर्कर्स थी गांव के अंदर, उन्होंने घर घर जा कर के एक सर्वे कंडक्ट किया कि आप ठीक हैं, कितने लोग हैं, बुखार तो नहीं है, और वही आंकड़ा जो है वो दिल्ली सरकार को भेज दिया और मोदी जी ने शाबाशी दे दी कि हिमाचल प्रदेश जो है इसने तो सारी ही मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग कर दी और देश का ये सबसे अव्वल राज्य बन गया, जबकि किसी भी व्यक्ति की घर घर जा कर के स्क्रीनिंग नहीं हुई। इस पूरे लॉकडाउन में शुरू से लेकर अंत तक सुबह कोई नोटिफिकेशन, दोपहर को कोई नोटिफिकेशन, शाम को कोई नोटिफिकेशन, सरकार कैबिनेट से कोई नोटिफिकेशन कर रही है, MHA की गाइडलाइंस कुछ और आ रही हैं, जब वो जिलाधीशों के पास पहुंचती है तो गाइडलाइंस कुछ और हो जाती हैं, सब डिवीज़न में जब SDMs के पास गई तो उनकी गाइडलाइंस कुछ और हैं। तो इतना ज़्यादा जो है इस प्रकार का माहौल जो है आज तक हमारे प्रदेश में ख़ास तौर पर देखने को नज़र नहीं आया। न केवल भ्रष्टाचार बढ़ा है इन 2.5 वर्षों में, बल्कि प्रदेश जो है वो विकास के मामले में इतना पीछे चला गया है कि आगे आने वाली सरकारों को भी इसको ठीक ढंग से पटरी पर लाना मुश्किल होगा। ख़ास तौर पर कांगड़ा जिला जो है, कांगड़ा जिला प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, कांगड़ा जिला में पिछले 2.5 वर्षों से एक भी कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया, न केवल कांगड़ा में न प्रदेश में। मेरा ये कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश के अंदर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। खासकर कांगड़ा जिला को आप देखें, माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, आज कांगड़ा जिला में जो हमारी विधानसभा है, हमारा हवाई अड्डा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कांगड़ा को दूसरी राजधानी का दर्जा देना, धर्मशाला के लिए स्मार्ट सिटी का आना, और ये तो बड़े बड़ी चीज़ें मैं कांगड़ा की बता रहा हूँ आपको, टांडा मेडिकल कॉलेज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब जब राजा वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस की सरकार रही उस समय ये सारे विकास कार्य हुए, और आज
उन कार्यों को भी रोका जा रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि पिछली सरकार के समय की योजनाएं जो हैं और कुछ वो तो बिल्कुल ही ठप कर दी, और कुछ योजनाएं जो हैं उनका पैसा यहां से जो है वो मुख्यमंत्री जी अपने गृह क्षेत्र को ले गए। तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश का इस सरकार के राज के अंदर आगे बढ़ पाना मुश्किल है। और इतना व्यापक भ्रष्टाचार आज तक हिमाचल प्रदेश में न पहले कभी हुआ न आगे कभी होगा, क्योंकि इनके कारनामों की जो सजा जनता इनको देगी, मेरा ये मानना है अगर आज चुनाव हो जाए तो एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी बचा नहीं पाएगी।